कटंगी थाना के अंतर्गत जाम नाला में डिवाइडर से टकराई मोटरसाइकिल, सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की हुई मौत। कटंगी थाना के अंतर्गत जाम नाला में यह घटना मंगलवार की रात करीब 10 बजे हुई, जब शहर के वार्ड नंबर 24 निवासी युवक कमलेश निवारे और उसका दोस्त कटंगी सिंगोड़ी निवासी दुर्गेश पटेल मोटरसाइकिल से बालाघाट आ रहे थे। इस दौरान कमलेश निवारे की मौत हो गई। करीनापुर टीआई रविंद्र कुमार बारिया को पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने किया निलंबित। करीनापुर टीआई के निलंबन को लेकर नहीं बताई गई वजह, करीनापुर में चल रही जनचर्चा, लोग लगा रहे विलंब पर तरह तरह के कयास। ग्रामीण थाना के अंतर्गत लिंगा में एक युवक को एक व्यक्ति और उसके बेटे ने लाठी से मारकर किया घायल, गंभीर अवस्था में घायल युवक का चल रहा है जिला अस्पताल में इलाज। मंगलवार की रात को विवाह कार्यक्रम में जा रहे अमित गिरी गोस्वामी पर गांव के ही विनोद शुक्ला और उसके बेटे सुमित शुक्ला ने विवाद करते हुए की थी पिटाई। महंगाई पर विरोध जताते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा शहर के हनुमान चौक में महंगाई का किया गया पुतला दहन, उपस्थित रहे कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी। बरवेली के वार्ड नंबर 1 से पहुंची महिलाओं ने जिला पंचायत के अधिकारियों को भीषण गर्मी में पानी नहीं मिलने की बताई परेशानी, जल्द ही समस्या का समाधान करने की लगाई गुहार। बुधवार को भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सर्किट हाउस में सैनिक कल्याण अधिकारी ने की मुलाकात, सैनिकों ने बताई परेशानी। लालबरा थाना के अंतर्गत 15 वर्षीय नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर नागपुर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यायालय में पेश कर भेजा बारासुनी जेल। बारासुनी शहर के वार्ड नंबर 3 दुर्गावती वार्ड में नाली की समस्या को लेकर वार्डवासी हो रहे परेशान, नगर पालिका के अधिकारियों ने दी जानकारी, नाली निर्माण के लिए जल्द करवाया जाएगा एस्टिमेट तैयार। बारासुनी के कृषि उपज मंडी के शौचालय में ताला लगने से मंडी में काम करने आने वाली मजदूर और रेजाओं को हो रही परेशानी, सफाई नहीं होने की वजह से ताला लगाने की मंडी की ओर से दी जा रही है जानकारी। लालबरा स्थित सेंट्रल बैंक की शाखा में 5 दिनों से लिंक फेल होने के कारण सैकड़ों उपभोक्ताओं हो रहे परेशान, शाखा प्रबंधक ने दी जानकारी, लिंक फेल की वरिष्ठ स्तर पर दी जा चुकी है सूचना, चल रहा है मरम्मत का कार्य। तेंदुपत्ता की क्वालिटी खराब होने की वजह से महज 2 दिन बाद बंद करा दी गई वन विभाग के द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य, वन विभाग के द्वारा दी गई जानकारी, 2 दिनों में हो गया है 50% लक्ष्य पूरा। बारासुनी तहसील के नेवर गांव में जल संकट से जूझ रहे ग्रामवासी जिम्मेदारों ने दी जानकारी, दूर से पानी लाने, नल जल योजना से पानी सप्लाई न होने के कारण हो रही है परेशानी। बारासुनी में पास्को एक्ट के तहत छेड़छाड़ के आरोपी, रामपाली थाना के अंतर्गत एक स्कूल में जाकर नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी अजय किरणापुरी को 3 वर्ष के कारावास से किया गया दंडित। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट पर जारी किए जाने के बाद जिले के भीतर शिक्षा विभाग ने रिजल्ट पर किया मंथन, जारी की सूची। हाईस्कूल में अमोली लालबरा रहा सबसे फिसड्डी, तो वनांचल क्षेत्र में बसा कंदई रहा अव्वल। हायर सेकेंडरी में लालबरा का बल्लारपुर स्कूल रहा महज 12% रिजल्ट, तो उकवा के बुधमा 100% के साथ रहा जिले में नंबर 1। नगरपालिका के विकास के दावों की वार्ड नंबर 24 में खुल रही पोल, मूलभूत सुविधाओं से वंचित शहर के सुरभि नगर के निवासी
पक्की नाली सड़क की सौगात नहीं मिलने से बाढ़वासियों में पनप रहा आक्रोश। तिरोड़ी थाना के अंतर्गत खवासा रोड सीतापठोर रोड के पास कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, घटना में मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी हुए घायल।